fazendo aqui. जो भी जो हजारों साल पहले पानी के नीचे था वो सब के डिपॉजिट से बना हुआ है। जो पूरा लाइमस्टोन ही है सब, जो चारों तरफ जो पत्थर दिख रहे हैं पूरा लाइमस्टोन का है। ये जो काला हो चुका है, लाइमस्टोन व्हाइट कलर का होता है, तो सनलाइट और रेन वाटर कंटिन्यूसली लगने की वजह से काला हो गया, ब्लैक हो गया। ये सब अभी एक टाइम में समुद्र का डेप्थ हुआ करता था, ये सब कोरल्स, मरीन लाइफ, स्केलेटन्स, ये सब से बना हुआ है। डिपॉजिट जो होता है हजारों साल के नीचे सब सेडिमेंट्री रॉक्स है। हाँ सर, पूरा इस केव में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, जो भी बना हुआ है नेचुरली बना हुआ है। तो ये कई सालों पहले पूरा कवर हुआ करता था सर, ये जो कंप्लीट कवर हुआ करता था, लेकिन लाइमस्टोन जो है रेन वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसकी वजह से रेन वाटर लगते लगते उसको जो ऊपर का जो कंप्लीट कवर जो था वो डिसॉल्व हो गया। जो यहाँ से 120 मीटर का डेप्थ है, इसमें आपका 40 से 50 मीटर का जो है वो आपका कवर है, बाकी 60 मीटर जो है कंप्लीट डिसॉल्व हो गया ऊपर से। तो ये जो भी बना हुआ था नेचुरली बना हुआ, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फोटो वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, चलते चलते करिए। चलिए अंदर चलिए और नीचे देख के चलेंगे, काफ़ी पत्थर हैं। आगे आ जाओ तुम। आप कैमरा निकाल लो। आप इसमें देखेंगे तो पानी के जो फ्लो करने की वजह से, बारिश का पानी जो आता है, बारिश का पानी जब समुंदर हुआ करता है उसके पानी से वजह से जो स्टोन कटता है उसको अलग अलग शेप में बना हुआ था। वैसे यहाँ पे देखिए स्पाइनल कॉर्ड की शेप में लग रहा है, देखिए रीढ़ की हड्डी की तरह पूरा सादा बना हुआ। देखिए ये सब तो इमेजिनेशन नहीं है, पूरा सर यहाँ से देखेंगे तो क्लियर लाइट बंद कर दी। देखो ये सिंगल बंद कर दी। देखो ये आओ आगे आओ। मैडम ये फंगस लगा है, पानी आता है। अच्छा यहाँ सबको गाइडेड देखिए, व्हाइट कलर में स्टोन ऊपर से दोनों तरफ से देखिए, अभी अभी भी आ रही है। तो बाहर का स्टोन भी ऐसे व्हाइट कलर में हुआ करता था, लेकिन सनलाइट और रेन वाटर कंट्री से पड़ने के कारण इसको कंप्लीट ब्लैक हो गया। इसको टच करने से मैडम ब्लैक हो गया, अंदर देखने टच करने के वजह से जो ब्लैक हो गया होता है ना ऊपर से वाइट है। इसमें मैक्सिमम आपको देखेंगे तो जेली फिश के शेप में लग रहा है स्टोन, जेली फिश का आकार बना हुआ है। वैसे आप अंदर जाते हैं तो अलग अलग शेप में देखिए, सेंटर में आइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले ये सब समुंदर पे था, ये पूरा पानी के नीचे था, समुंदर का डेप्थ का है। ये पानी कम होने से ऐसा हुआ, पानी कम होने से ये ऊपर आया। मिलियन कितना करोड़ों साल पहले का बात है, पूरा पानी के नीचे था तो ये अपने आप ऊपर आ जाता है। प्लेट्स के जो मूवमेंट होता है ना, तो प्लेट्स के ऊपर ही आता है पूरा आइलैंड। अच्छा, उसकी वजह से ऊपर आने की यहाँ पे देखिए शाइनिंग कर रहा था। इसमें सिलिका प्रेजेंट है और आपको देखने में गोल्डन कलर का लग रहा है, सब ग्लो कर रहा है। इसमें माइका भी है, लिटिल ऑफ अमाउंट उसमें माइका होने का ना वो गोल्डन कलर का ग्लो दे रहा है, सिलिका आपको कंप्यूटर इसलिए आपको शाइनिंग कर रहा है। देखिए टच करने के भी से ब्लैक हो, टच की वजह से हाथ लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए शंख के शेप में लग रहा है, शंख के शेप आकार में, शंख के आकार में बना हुआ है। शिव का कर शंख, शंख जो मंदिर में शंख होता है, शंख जैसे और यहाँ सामने देखेंगे एक स्टोन है जो आपको ग्रो कर रहा है बीबी। अच्छा, यही जो स्टैलेक्टाइट्स जो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ये स्टैलेगमाइट नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये पहले कम था, ये इसका गैप बहुत ज्यादा था, कम हो गया सर। अच्छा, ये कम हो गया सर, एक दो साल में नहीं बढ़ता है, 10-15 साल लग जाता है। कोई बात, 15 साल में
15 साल लगते थे। ये जो पानी गिर रहा है ना, ये पानी ऊपर से आता है सर, इसके ऊपर भी जो मिट्टी है, पेड़ वगैरह है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अच्छा। जो कैल्शियम को कैरी करता है वाटर, और ये टच करने से ब्लैक हो जाता है, जो कैल्शियम बच जाता है नीचे डिपॉजिट होके, ड्राई होने के बाद कैल्शियम बच जाता है, वही स्टोन बनता है। तो जितना कैल्शियम रहेगा उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ से ऊपर देखिए आपको दो होल नजर आएगा, इस होल का नाम है सिंक होल, नेचुरली बना होल है। इस केव में दो ही होल है जिसके थ्रू सनलाइट और ऑक्सीजन आता है इस केव के लिए। पानी गिरा, ये देखो, ऑक्सीजन और सनलाइट आते हैं इसी होल के थ्रू। आगे आपको अपने होल यहाँ पे देखिए, तो लोटस की शेप में बना हुआ, रिवर्स लोटस बोलते हैं इसको, रिवर्स लोटस की शेप में लग रहा है। और यहाँ पे देखिए तो गणेश, भगवान गणेश की तरह बना हुआ है। ऐसे आपके पीछे देखिए तो ह्यूमन के जो नोज होता है, थ्री नोजेस बोलते हैं, 1 2 3 थ्री नोजेस ह्यूमन नोज की शेप में। और ऊपर देखिए तो एलिफेंट ट्रंक आती है सूंड की तरह, सेंटर में देखिए जो स्टैलेक्ट टाइप से ऊपर की नीचे, और इसमें सिर्फ सिलिका है इसलिए आपको व्हाइट कलर का शाइनिंग दे रहा है यहाँ पर। ये उतरती भी है शाइनिंग, ये पानी आएगा तो मतलब नहीं, हम हाथ लगाते हैं तो उतरेगी, उतरेगी नहीं सर, लेकिन उसका जो शाइनिंग जो वो कम हो जाएगा, हमारे हाथ में नहीं आएगा, नहीं हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन उसका जो शाइनिंग जो ब्राइटनेस दे रहा हूँ ये कम हो जाएगा। हाँ हाँ, अंधेरा लाइट जहाँ पड़ेगी यहाँ पे सामने देखिए तो इसको गोल्डन स्टोन बोलते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलिका मैका का है, ये शाइनिंग भी कर रहा है आपको, गोल्डन कलर का लग रहा है ना, ये कंप्लीट सिलिका मैका का है। ऊपर से देखिए तो सैंड की तरह लग रहा है, लेकिन कंप्लीट स्टोन है ये ऊपर। यहाँ पे तो टच करने से थोड़ा कम हो गया, ऊपर पूरा शाइनिंग कर रहा है। इसमें जो शेड बना हुआ है ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ऊपर जो होल दिख रहा है उसके थ्रू बारिश आने की वजह से पानी फ्लो करता है, तो उसकी वजह से ऐसे शेड्स बन गए लाइक सिलिका और मैका, इसलिए वो कलर गोल्डन कलर हो गया, गोल्डन कलर का हो गया। सही, यहाँ पे हनुमान की गड्ढे की शेप में बना होती है, हनुमान की गड्ढे की शेप बना, ब्लॉक हो गया, अर्थक्वेक से ब्लॉक हो गया सर। ये ऊपर देखेंगे शेर के पंजे की तरह बना हुआ, शेर के पंजे की तरह, हंसते बाबा किस तरफ, शेर के पंजे की तरफ। और यहाँ आ जाइए आगे थोड़ा, यहाँ ऊपर देखिए एकदम व्हाइट कलर में जो देख रहे हैं, बिल्कुल व्हाइट में, ये आपका न्यू फॉर्मेशन हो रहा है स्टोन का। अच्छा, एक तरफ स्टोन बना नहीं है, अभी बन रहा है। जो न्यू फॉर्मेशन, आगे जो स्टोन देख रहे थे ना सर, जो ग्रो कर रहा है वो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही धीरे धीरे होगी कम्प्लीट स्टोन। ये आपका पहला है स्टोन इस तरह बनता है, ये बन रहा है अभी, आपको देखते ही और इसका डेप्थ सर ये और 40 मीटर हुआ करता है 2004 में। ये सुनामी और अर्थक्वेक जो आया था, सुनामी से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से कम्प्लीट 40 मीटर का रास्ता ब्लॉक हो गया सर। 40 मीटर का रास्ता था और अच्छा, कम्प्लीट टूट के ब्लॉक हो गया, ये स्टोन सब पीछे हुआ करता था, टाइम में गैप था, यहाँ पे जा सकते थे। वैसे आगे कितनी लंबी तक, वही 40 मीटर थी टोटल। हाँ, टोटल 40 मीटर तक निकल नहीं, सेम रास्ता था ऐसे ही वापस जाना था, लेकिन रास्ता और अंदर तक था, लेकिन 40 मीटर ब्लॉक हो गया क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से। यही लास्ट है यहाँ से, चलिए बहुत अच्छा निकाल क्या,